नमस्कार, स्टेट क्यूब में आपका स्वागत है। आज का दिन था 30 मई 2024। आज निफ्टी का वीकली के साथ साथ मंथली का भी एक्सपायरी है, तो कल से निफ्टी जून के फ्यूचर में ट्रेड करेगा। बैंक निफ्टी आज से ही जून के फ्यूचर में आ चुका है, तो हमको देखना है कि जून का महीना निफ्टी के लिए कैसा रहेगा। देखिए, दो मेजर इवेंट है जून के महीने में। एक तो है जून 4 को, आपको हमेशा याद रखना है जून का जो 4 तारीख है, जून 4, ये सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है अपना देश के लिए। इलेक्शन का जो रिजल्ट आने वाला है, तो उसी के लिए अभी मार्केट में एक बढ़िया रैली था। इलेक्शन के लिए जो इतना बड़ा रैली था, आप देख सकते हैं। ये बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं, मार्केट एक ट्रेंड के साथ ऊपर जा रहा है, निफ्टी भी एक ट्रेंड के साथ ऊपर जा रहा है, और उसके साथ साथ इंडिया वीक्स जो है, जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है, वो तो उसका क्या कहना। देखिए, 12:10 से शुरू होके अभी सीधा 24 से एक ही लाइन में ऊपर जा रहा है, तो वोलेटिलिटी ज्यादा है, प्राइसेस ज्यादा है। लेकिन जून 4 के बाद ये सब सिनेरियो बदलने वाला है। तो ये जो जून का जो महीना है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है जून 4 से पहले और एक है जून 4 के बाद। अभी जून 4 तक ये जो वोलेटिलिटी है, ये काफी हाई रहेगा, अनसर्टेनिटी काफी हाई रहेगा, क्योंकि जिस तरह का माहौल है देश में कि किसकी सरकार बनेगी, या जो सरकार अभी चल रहा है वही चलेगी, या कोई बदलाव आएगा, तो वो जो अनसर्टेनिटी है वो काफी बढ़ चुका है। तो जून 4 तक मार्केट और भी वोलाटाइल हो सकता है। आज और 2-3 ट्रेडिंग सेशन बाकी है, तो उसमें आपको हो सकता है VIX 30 के पार भी दिख जाए, उसमें कोई सरप्राइज नहीं है। यहाँ से सडनली शूट आउट करके आपको 30 के पार भी VIX दिख सकता है जून 4 तारीख को। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए, जब VIX बढ़ता है, जब भी इंडिया VIX बढ़ता है, तो आपका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि प्राइसेस बढ़ते हैं, प्रीमियम का प्राइसेस बढ़ते हैं। तो आप अगर ऑप्शन बायर्स बाइंग में बिलीव करते हैं, तो आप जून 4 तारीख के लिए, यानी कि अगला महीना के लिए, अगला हफ्ते के लिए, आप कॉल पुट दोनों को खरीद के रख सकते हैं, छोटा प्रीमियम का। एट द मनी जो अभी फिर भी महंगा ही होगा, एट द मनी, क्योंकि इतना ज्यादा वीक्स है, तो एट द मनी भी थोड़ा महंगा ही होगा। अभी हम देख लेते हैं कि निफ्टी पहले देख लेते हैं, बैंक निफ्टी पे उतना फोकस मत करो अभी, तो एक्सपायरी चुन लेते हैं। और ये कौन सा है, जून का फ्यूचर है, देखिए जून का फ्यूचर का जो एट द मनी है, 27 जून तो नहीं जाएंगे, बट हाँ 6 जून तक जा सकते हैं। देखिए 6 जून का भी जो मैं प्रीमियम है, वो एट द मनी का ₹500, या मान लीजिए 470 और 371 फुट साइड में, तो काफी हैवी प्रीमियम है, जो कि लगभग 220-225 होना चाहिए, वो अभी ₹400 के आसपास है। तो विक्स ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, प्रीमियम ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, यहाँ से खरीदेंगे तो भी क्या करेंगे। तो ऑप्शन सेलिंग का चांसेस है, क्योंकि जून 4 के बाद आप एक काम कर सकते हैं, जो जून का जो 6 तारीख का ऑप्शन को सेल कर सकते हैं, या तो जून 13 का ऑप्शन को सेल कर सकते हैं, क्योंकि 4 तारीख के बाद विक्स गिरने वाला है, और हेवीली गिरेगा, तो प्राइसेस वैसे भी ऑटोमेटिक गिर जाएंगे। तो आप अभी ऑप्शन सेलिंग पे जा सकते हैं, निफ्टी का अभी से सेल करके रख दीजिए जून 13 का। इलेक्शन के बाद हो सकता है 2-3 दिन ज्यादा वोलाटाइल रहे, बट जून 13 आते आते सब कुछ सेटल हो जाएगा, वीक्स कम हो जाएगा, आपका हैवी प्रॉफिट हो सकता है। तो ऑप्शन सेलिंग आप लॉन्ग टर्म के लिए, जून 13 के लिए आप ऑप्शन को अभी से सेल कर सकते हैं। तो ये तो था लॉन्ग टर्म की बातें। तो आज क्या हुआ मार्केट और कल क्या होने वाला है, उससे उसको पे एक बार पहले देख लेते हैं। देखिए, आज के टाइम पे मार्केट में क्या हुआ, वीक्स तो अपने जगह पे खड़ा है, ठीक है, और निफ्टी में प्राइसेस में क्या हुआ पहले देख लेते हैं। जैसे आज सुबह मैंने आपको बताया था कि मार्केट में गिरावट आने वाला है आज का दिन, और वही हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी ने वैसा बिहेव नहीं किया जैसे करना चाहिए था। जब से
मार्केट इस जोन से ये के दो कैंडल बनाने के बाद मार्केट नीचे आया, तो उस दिन से ये ट्रेंड बुली बेयरिश हो चुका है। ये तीन कैंडल हैवीली बेयरिश कैंडल है, उसके बाद ये उसका कंफर्मेशन है, इसको भी एनग्लॉक कर लिया। ये तो आज और भी सुपर बेयरिश कैंडल बना है, लेकिन हाँ मार्केट के एंड में थोड़ा उछाल आया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इसको, हम 5 मिनट में भी देख सकते हैं। तो मार्केट एंड होते होते थोड़ा सा प्राइस में उछाल आया है, इसको हम उछाल तो नहीं मानेंगे, बस 570 से लेके 661, हाँ इसको एक उछाल मान सकते हैं। लगभग 100 पॉइंट का जो उछाल आया है, ये एक सही संकेत है। तो कल मार्केट में जनरली क्या होने वाला है कि देखिए, आज का दिन एक्सपायरी था, जो जिस हिसाब से हम लोग का वॉइड डेटा था उसी हिसाब से मार्केट में बिहेव किया, बिल्कुल सही। कल के लिए मार्केट का जो डेटा है उसको भी चेक कर लेते हैं। 6 जून देखिए, पुट के साइड में थोड़ा वॉइड ज्यादा है एज कम्पेयर टू कॉल, लेकिन वही बात है कि कल स्टार्टिंग डे है तो कल कुछ भी हो सकता है। बट हमको अभी के लिए ये मान के चलना चलना है कि अगर पुट में वही ज्यादा है तो मार्केट थोड़ा ऊपर को जा सकता है, और जो कैंडल भी है वो वही दिखा रहा है कि मार्केट का जो मोमेंटम है, लास्ट मोमेंट में जो मोमेंटम दिया है उससे वो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट कल थोड़ा ऊपर को जा सकता है। कुछ नहीं तो यहाँ पे ओपन होके आज का हाई को तो टच नहीं करेगा, बट आज का ओपनिंग को टच करना थोड़ा मुश्किल है मार्केट के लिए। लेकिन हाँ एक चीज हो सकता है, कल यहाँ से ओपन होके मार्केट ज्यादा गैप अप भी नहीं होगा, फिर एक बार नीचे को टेस्ट करने जरूर आएगा आज के इस लेवल तक। यहाँ से फिर मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल पे या इस लेवल पे क्लोजिंग दे सकता है। ओके, ये चार्ट पे ध्यान दीजिए। तो कल को कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा बुलिश क्लोजिंग दे सकता है, क्योंकि ये पूरा वीक बेयरिश था, तो मेरे हिसाब से एक्चुअली कोई डेटा के हिसाब से या मेरे हिसाब से, मैं खुद अपना जो आज तक का एक्सपीरियंस है वहां से बताऊं, तो कल मार्केट या तो फ्लैट खुलेगा या तो थोड़ा सा गैप अप खुलेगा, उसके बाद रिट्रेसमेंट के लिए थोड़ा नीचे आएगा, उसके बाद जाके कहीं ना कहीं एक ऊपर में पीक लगा के फिर थोड़ा सा बुलिश होके क्लोजिंग देगा। तो ये निफ्टी का सिनेरियो है कल के लिए। और अगर थोड़ा लंबा सोचें तो अगला वीक जो है इलेक्शन का काउंट रिजल्ट आने वाला है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट है। तो जैसे मैंने बताया कि प्राइसेस जो इंडेक्स का जो आईवी है वो काफी बढ़ने वाला है, और ऑलरेडी इतना बड़ा हुआ है कि प्रीमियम काफी बड़ा है, 500 एट द मनी पे 500 निफ्टी का है, जो कि नॉर्मली 250 के 300, 250 से 270 के आसपास होना चाहिए। तो आप ऑप्शन सेलिंग पे भी जा सकते हैं, नॉन डायरेक्शनल सेलिंग पे जा सकते हैं। 500-500 का प्रीमियम अगर आपको दोनों साइड में मिलता है तो 1000 पॉइंट का आपका ब्रेक इवन बन जाता है, और 1000 पॉइंट का मूवमेंट 3-4 दिन में निफ्टी क्वाइट इम्पॉसिबल टाइप का बात है। हो सकता है होने के लिए, बट थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप का बात है, तो आपको घबराना नहीं है। आप नॉन डायरेक्शनल कॉल पुट दोनों एट द मनी को सेल कर सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है वहां पे, क्योंकि आपको 1000 रुपए का बफर मिल जाएगा स्टॉप लॉस का या प्रॉफिट को सेव करने का। तो काफी सही है, आप सेलिंग करना चाहते हैं तो दोनों कॉल पुट को 500-500 रुपए पे सेल कर सकते हैं। तो देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या है। बैंक निफ्टी आज का जो मूव था बैंक निफ्टी का, वो थोड़ा निफ्टी से बिल्कुल अलग था। निफ्टी बेयरिश था, वहीं पे बैंक निफ्टी बुलिश था, सुबह से ही बैंक निफ्टी बुलिश था। बीच में हालांकि थोड़ा सा डीप आया था एक बार, लेकिन उसके बाद बैंक निफ्टी लगातार, ये 1 डे चार्ट, 1 मिनट इसको 5 मिनट कर देते हैं। ओके, देखिए मार्केट आज यहाँ से खुलने के बाद ऑलमोस्ट हर समय एक बुलिश ट्रेंड में रहा है। थोड़ा सुबह 10:35 से लेके 11:30 तक बेयरिश ट्रेंड में था, बीच में कंसोलिडेशन फेज में भी था,
बट मोस्ट ऑफ द टाइम आज मार्केट थोड़ा बुलिश ही था और एंड में भी एक बुलिश मूव दिया है। तो मैंने जैसे बताया कि कल थोड़ा गैप अप या फ्लैट खुल सकता है मार्केट, उसके बाद कहीं ना कहीं एक लो भी लगा सकता है, 200-300 पॉइंट, 200 पॉइंट का एक लो भी लगाएगा ओपनिंग से और उसके बाद क्लोजिंग ग्रीन में दे सकता है। तो वही कल के लिए कोई डायरेक्शन पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। हम ये कहें कि फर्स्ट हाफ में थोड़ा बेयरिश हो तो सेकंड हाफ में बुलिश हो सकता है, और फर्स्ट हाफ में अगर ज्यादा बुलिश है तो सेकंड हाफ में थोड़ा बेयरिश हो सकता है। तो कल दोनों टाइप का ट्रेड आपको मिल जाएगा, उसके लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं है। जहां भी मौका मिले वहां आप एंट्री ले सकते हैं, कोई डायरेक्शनल ट्रेड नहीं रहेगा कल के लिए। नॉन डायरेक्शनल अगर कोई स्ट्रैटजी है तो उसको इम्प्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं बोल दूँ कि बैंक निफ्टी का आप फ्यूचर या ऑप्शन, नॉट द फ्यूचर, ऑप्शन को सेल करने के बारे में अभी मत सोचिए क्विकली ऑप्शन को, जो 6 तारीख का ऑप्शन है, क्योंकि बैंक निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है जो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। बैंक निफ्टी में एक बार देख लेते हैं ऑप्शन का प्रीमियम क्या चल रहा है। यहाँ 5 जून का मिल जाएगा आपको, 1 मिनट, निफ्टी बैंक, ओके, 5 जून का जो चल रहा है भाई साहब, एट द मनी चल रहा है 1100 रुपए पे कॉल, और पुट चल रहा है लगभग 800 रुपए पे। तो यहाँ भी आप सेल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ 1100, यहाँ 800, मतलब लगभग 1900 रुपए का, 1900 पॉइंट का आपको एक सेफ्टी जोन मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी आप सेल कर सकते हैं, 3 दिन में 1900 मूव कर सकता है क्योंकि बैंक निफ्टी का कोई ठिकाना नहीं है, बट थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिलेगा। अगर आपका थोड़ा एक्सपीरियंस है कि ट्रेड को कैसे मैनेज किया जाता है, तो आप यहाँ पर भी ऑप्शन को सेल करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा मौका मिलता है कि वीक्स इतना ऊपर रहता है और हमको पता है कि रिजल्ट के बाद वीक्स नीचे आने वाला है। कोविड के टाइम का भी वीक्स ऊपर था, वो तो काफी ऊपर था, बट उसमें कोई सर्टेनिटी नहीं था कि कब वो नीचे आएगा। बट यहाँ हमको पता है कि रिजल्ट के बाद 4-5-6 दिन के बाद धीरे धीरे वीक्स नीचे आ जाएगा। तो जब इस तरह का इवेंट होता है, जब आपको पता होता है कि वीक्स विद इन ए वीक और 2 वीक में नीचे आने वाला है, तो आप ऑप्शन को सेल करके अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ट्रेडिंग आवर पे कल, तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पे इसी तरह का नया एनालिसिस के लिए कि कल मार्केट में क्या होने वाला है और क्या होगा। मिलते हैं, देखते रहिए ट्विट ट्यूब और मैंस लाइव, नए एनालिसिस के लिए कल मॉर्निंग को फिर से मिलेंगे और फिर इवनिंग को भी मार्केट आवर के बाद मिलेंगे, और अगर टाइम मिला तो मैं ड्यूरिंग द मार्केट ऑल्सो लाइव आके आपके साथ एटलीस्ट 1 आवर स्पेंड करूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर नेक्स्ट ट्रेड।